तो 2025 का वर्गमूल कितना होता अभी हम देखेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं आप, ऐसे अंडरूट से लिखते हैं, यहाँ पर हम डिवीजन मेथड काम में लेने वाले हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, एक दो एक दो, अंदर में कितना आ गया 20। अब इसके लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे, ये संख्या लेंगे आप 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गणना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इस 20 से बड़ा ना हो। लगाओ दिमाग, तो हमने लगाया दिमाग कि 5 गुना 5 लेते हैं तो 20 से बड़ा रहे, लेकिन 4 गुना 4 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 16। एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर अगले स्टेप में इसको ऐड करना रहता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो 2 डिजिट हमने अंडरलाइन किए हैं उसको यहाँ हम नीचे ले आए। ठीक है, अब फिर वही लगाओ दिमाग कि भाई कौन सी संख्या लें, गुणा करें कि 425 से बढ़ा ना है। तो ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ खुद का खुद के साथ गुणा किया, ठीक वैसे ही इसके साथ जिस संख्या को लिखेंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। लगाओ दिमाग, तो हमने लगाया दिमाग कि 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं, तो एग्जैक्ट हमारे पास यही संख्या आ रही है। इसको लिए हमने 5 को तो ऊपर लिख दो, फिर घटाया, क्या आ गया 0। 0 आ गया मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू निकला कितना 45, यह आपका आंसर है। ओके, आसान है।